Assalamu alaikum students, hope so you will be fine at home. Welcome to English literature class. Here we have day 15th lecture. In previous lecture you know that we have already started a new topic, biography. In this present lecture we will discuss our next questions. Question number 3, why did the children lick their lips as they rode to school? Bacche bar bar apni lips ko lick kyun karte the jab wo school jate the? आंसर इज़ दे लाइक टू लिक द स्वीटनेस फ्राम देयर लिप्स. जो उनकी लिप्स के ऊपर स्वीटनेस लगी होती थी वो उसको लिक करना पसंद करते थे एज दे रोड टू स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ देयर मेथड ऑफ लर्निंग टू राइट वॉज वेरी इकोनॉमिकल ऑफ मटीरियल्स. विच एक्स्ट्रा मटीरियल्स वुड अ मॉडर्न स्कूल यूज़. आपने कंपेरिजन करना है उनके लर्निंग का और हमारे मॉडर्न लर्निंग का. आंसर इज़ द चिल्ड्रन वर गिवन वुडन बोर्ड्स विच मेजर अबाउट 1 foot स्क्वेयर एंड वर कवर्ड इन चाक एंड डस्ट एंड मॉडर्न स्कूल वुड यूज वाइट बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन कंपेरिजन विद द वे यू लर्न टू राइट वट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डू यू थिंक देयर आर द वे जेटसन पीमार लर्नड. आपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने हैं और कंपेरिजन बताना है जो उनकी लर्निंग का था और हमारी लर्निंग का. आंसर इज वी यूज़ नोटबुक्स एंड पेंसिल्स फॉर लर्निंग. हम यूज़ करते हैं पेंसिल एंड नोटबुक्स लर्निंग के लिए. वाइल देयर लर्निंग वॉज क्वाइट डिफरेंट, उनकी जो लर्निंग थी वो डिफरेंट भी थी और डिफ़िकल्ट भी थी फ्राम अस, हमसे. एज दे यूज़ वुडन बोर्ड्स, क्योंकि वो वुडन बोर्ड यूज़ करते थे विच वॉज फुल ऑफ डस्ट. होप सो स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन केयरफुली. थैंक यू.